इसी में आप सबकी सलामती हो। हम बात कर रहे थे दुआ के टॉपिक पे। दुआ क्या है, दुआ किस मकसद के लिए मांगनी चाहिए, दुआ क्यों मांगे, दुआ मांगना क्यों जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि दुआ किस वक्त मांगे, दुआ कब, कहाँ और किस वक्त मांग सकते हैं। अक्सर मसीही सुबह उठते ही दुआ करने में मसरूफ हो जाते हैं। ये वक्त बेहतर होता है खुदा से बातें करने का, और वो खुदा को अपने दरमियान हाजिर और नाजर समझते हैं, और वो उससे दिन भर के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और वो उससे इल्तजा करते हैं कि वो इनके सारे दिन को इस तरह का बनाए कि वो इसकी मर्जी के मुताबिक उस दिन को गुजार सके। कुछ मसीही जो है वो अक्सर खाना खाने से पहले, खाना शुरू करने से पहले भी दुआ मांगते हैं। शारा खाना शुरू करने से पहले दुआ मांगते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये खुराक मुहैया की। दुआ चाहे छोटी हो चाहे लंबी हो, दुआ बस दिल से निकलनी चाहिए। अक्सर मसीही खानदान के साथ मिलकर दुआ करना पसंद करते हैं, और जब सब मिलकर दुआ करते हैं तो बच्चे अपने वालदैन को दुआ करते हुए जब देखते हैं तो वो दुआ करना सीखते हैं। और सब लोग मिलकर खानदानी तौर पर जब दुआ करते हैं तो वो अपनी जो ज़रूरियात हैं वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर खुदा के सामने रखते हैं। अक्सर लोग मसीही ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले भी दुआ करते हैं, और वो अपने दिन भर की तमाम तर जो काम काज होता है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और वो जिस तरह उन्होंने दिन का आगाज खुदा के नाम से किया होता है, वो चाहते हैं कि उनके दिन का जो इख्तिताम है वो भी खुदा के नाम से हो। वो उसका शुक्र अदा करते हैं कि दिन भर उसने उनकी हिफाजत और निगेबानी की, इसी तरह वो रात भर भी उनका मुहाफिज और निगेबान हो। ये एक बहुत अच्छी बात है, दिन का आगाज जो है वो खुदा के नाम से होता है तो इख्तिताम भी उसी के नाम पर हो, हमारा पूरा दिन जो है उसी के नाम से गुजरे। दानियल नबी जो था वो दुआ करने के लिए अपने कोठरी में जाकर, जिसका दरीचा जो था वो यरूशलम की तरफ खुलता था, दिन में 3 मरतबा घुटने टेक कर खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करता था, दुआ करता था। सो ये जो औकातकार है दुआ करने के, इसे हम भी अपनी जिंदगियों में अपना सकते हैं, और इन औकातकार के मुताबिक दुआ करना जो है, इन पे वक्त निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दुआ करने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि आप किसी फिक्स टाइम में खुदा को याद कर सकते हैं। जब आप अपने किसी दोस्त से मिलने जाते हैं या अपने किसी दोस्त से बातें करते हैं तो आपने कोई फिक्स टाइम तो नहीं रखा होता ना कि मैं इसी टाइम तुमसे बात करूंगा, दूसरे टाइम में तुमसे बात नहीं कर सकता, इसके बीच में तुमसे बात नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं होता। आप जब चाहें जिस वक्त चाहें अपने दोस्त से गुफ्तगू कर सकते हैं। इसी तरह जब आप खुदा से दुआ करनी हो तो आप किसी भी वक्त किसी भी लम्हे दुआ कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो वो हमेशा हर लम्हा हर पल हमारे साथ है। इसलिए खुदा से बातें करने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप इसी वक्त दुआ कर सकते हैं, आप किसी भी वक्त खुदा से दुआ कर सकते हैं, उससे दुआ मांग सकते हैं। अब आप फर्ज करें आप जा रहे हैं कहीं सफर में, अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से या अपने दोस्तों से मिलने के लिए आप जा रहे हैं, तो आप रस्ते में जाते हुए उनके लिए, अपने सफर के लिए, उनकी हिफाजत और निगेबानी के लिए कि वो आपको हंसी खुशी सामने से मिले, या इसी तरह अपने सफर के लिए कि हम बाहिफाजत उन तक पहुंच जाए, इसके लिए आप दुआ कर सकते हैं। आप घर से निकलते वक्त दुआ कर सकते हैं, आप जहां काम करते हैं अपनी फैक्ट्री के लिए और भी जो भी आपकी मसरूफियात हैं उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं। आप चलते फिरते उठते बैठते आते जाते खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है।
इसी तरह आप जब अपने बच्चों को देखते हैं तो आप खुदा से शुक्र अदा कर सकते हैं कि उसने आपको औलाद जैसी अनमोल नेमत से नवाजा है। इसके अलावा आप उनकी बेहतर जिंदगी के लिए दुआ कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं कि खुदा उनको भी उसकी राहों पर चलने का फजल बख्शे, उनकी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाए। इसलिए दुआ करने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, खुदा हमेशा हमारे साथ है। आप अपने दिन का आगाज खुदा के नाम से करें, अपने दिन का इख्तिताम खुदा के नाम से करें। यह एक बहुत अच्छी बात है कि आप दिन भर उसकी शुक्रगुजारी में, उसकी हजूरी में और उसके फजल के साए में गुजारना चाहते हैं। और खुदा तो हमेशा हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आप किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी पल उससे बातें कर सकते हैं। इसलिए दुआ करने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, आप किसी भी वक्त दुआ मांग सकते हैं। इसलिए दुआ करते रहें, खुदा की हमेशा शुक्रगुजारी करते रहें और खुदा के साथ अपने रिश्ते को गहरा और मजबूत करें और उसके साथ अपनी रफाकत को हमेशा बहाल रखें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।